ट्रकिंग कंपनी किए भी और पैसे भी काफ़ी बुराए। सो नेटवर्किंग का कीड़ा कहने का मतलब कि किसी का ख़त्म नहीं होता है। फिर इसी तरह एक प्लस पॉइंट आया, उसमें भी करना शुरू किए। कुलजिंदर सर हमारे पास आए, उन्होंने कहा था आप कौन सी एक चीज़ें लेकर आए हुए हो, ये चीप था, रेडिएशन चीप। कहता एक प्रोडक्ट को सर आप कितना दिन सेल कर सकते हो, और एक आदमी के ऊपर कम से कम 2 दिन मेहनत करने के बाद वो बंदा तैयार होता था, फिर वो लेता था, और एक बार उनको दे देने के बाद वो आगे तैयार नहीं हो पाता था, क्योंकि जो काम मैंने सीखे थे 2-3 महीना लगा करके सीखे, तब हम उन लेवल तक पहुंच पाए कि लोगों को दे पाए। हर एक आदमी को 2-3 महीना टाइम नहीं दे सकता है। एक प्रोडक्ट को आप कितना दिन कर सकते हो, इन्होंने बताया। इनको मैं बोले कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक हूँ, क्योंकि हमको नेचर वे करते हुए बहुत देर हुआ था और उसमें पैसे काफ़ी लोगों का बुड़ गया था। यहाँ तक इतनी कॉन्फिडेंस से उनको करते थे, कहते थे तू 5-55 सौ लगाओ, अगर कंपनी भाग गई तो मैं दूंगा। और ऐसा सिचुएशन में मैंने लोगों को पैसे दे के राशन खिला के तब हम ऊपर हुए। तभी से मैंने कान पकड़ लिए थे मैं कोई कंपनी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे टाइम बिकता रहा, लेकिन नेटवर्किंग का कीड़ा अंदर जगह ही था। उतने देर में कुलजिंदर जी आए और कहते हैं कि आपने भी बेस्टिंग कीजिए। मैं के बिल्कुल नहीं करूंगा, इनको मैं अपने दुकानों पे बैठने के लिए भी जगह नहीं दिए, खड़े खड़े बातें किए 2-4। और मैं बोले सर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और 2-4 बार आए। फिर इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं लगाना है। मैं कुछ नहीं लगाना, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है, पहले भी नेचर भी आई 5-55 सौ लोगों का लगा के और लूट के भाग गई, आप कहते हैं कुछ नहीं लगाना है। उन्होंने कहा बिल्कुल विश्वास कीजिए आपको कुछ नहीं लगाना है। मैं बताइए फिर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कुछ नहीं लगेगा और लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो मैं सुन के हैरान रह गए 2 मिनट के लिए। मैं भी लगा कि यार सुन तो लाए एक बार सुने। उसने बोला कि जो प्रोडक्ट आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट कैसा है। फिर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ये जानकारी दिया, मुझे भी लिया लगा कि हाँ रॉन्ग है, मैं अपने लिए तो बढ़िया ले आता हूँ, लेकिन जब मैं दुकान किया हूँ लोगों के लिए सस्ता से सस्ता ले आता हूँ, क्योंकि लोग सस्ते प्रोडक्ट खोजते हैं। तो मेरे भी लगा कि बढ़िया प्रोडक्ट है। सर की मीटिंग थी मुकेरिया, यहाँ से सीधा उसने उठाया मुकेरिया ले गया और वहाँ पे मेरे को जब मीटिंग मैंने देखे, मेरे को 4-5 बात समझ में आया। खुला पैसा, खुला टाइम, समय की आज़ादी जो हमारे पास नहीं था, मान सम्मान, विदेश यात्रा। ऑलरेडी हम बिजनेसमैन आदमी हैं और बिजनेस कर रहे थे 15-16 साल से, दुकानें खर रहे थे, लेकिन हमारे सगे साले की भी शादी होता था, हम कहते थे उनको टाइम नहीं है। रात में 11 बजे यहाँ से रिजर्व करते थे गाड़ी और जाते थे, शादी अटेंड करके चले आते थे। हम कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चों का बर्थडे थे, कहते थे बेटा शॉर्टकट मना ले, क्यों भीड़ भड़का लगेगा तो हमारी दुकान डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो कहने का मतलब ये सारी कुछ सिस्टम चल रहा था, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने जब बताया ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा कि सब कुछ आप पा सकते हैं जो जिस जिंदगी के लिए आए हैं, उस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। मैं बोले बताइए क्या। इसने सारा बिजनेस को बताया, मेरे को बहुत बढ़िया लगा और कर रहे हैं, करते करते डायरेक्टर अचीव किया हूँ और आगे आने वाले बहुत जल्दी तैयारी है आगे की। विश यू वेल्थ।